किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। और कुत्ते से याद आया फाइटर की कमाई के बारे में। नमस्ते सभी को, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइटर के बारे में, क्योंकि जो फाइट देनी थी इसको बॉक्स ऑफिस से वो तो दे नहीं पाई, और उसका जो बजट था उसको भी रिकवर करना शायद मुश्किल लग रहा है इसको। इसकी जो कमाई है वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 215 से लेकर 250 के बीच में हो गया है। अगर वो अलग अलग रिसोर्सिस माने, अगर इसको 250 करोड़ भी मान लें तो ये अपना बजट ही रिकवर कर पाएगी, और मूवी कमाई दिन पर दिन डाउन जा रही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी क्या गलतियाँ रह गई थी इस मूवी के कारण, या फिर इसमें कौन सी कमियाँ थी जिसके कारण मूवी चल नहीं पाई। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ मूवी कुल्हड़ पिज्जा जैसी थी। कुल्हड़ पिज्जा वही है ना कि आप इसमें अच्छी चीज़ें हैं पर वो अच्छी चीज़ें ना एकदम नीचे होती हैं, उसमें कुल्हड़ होता है। और कुल्हड़ क्यों है मुझे नहीं पता, ये आपका कुल्हड़ इतने बूटे क्यों है, अली ये नीचे क्यों है, ये ऐसी वैसी बातें करते हैं। और मूवी में कुछ ऐसा कोई पर्सनल कमी नहीं थी मूवी में जो है ना आपको एकदम बता कि ये कमी अलग से नोटिस होती है, ऐसा नहीं था। मतलब अगर सिंपल बोले तो इसमें ऐसा दाल चावल में कंकड़ वगैरह नहीं था, कंकड़ों के बीच में दाल चावल थे। तो ओवरऑल बात करते हैं हम लोग कि कौन से पॉइंट से अगर इम्प्रूव हो जाते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। सबसे पहले मैं बात करूँ जो स्क्रिप्टिंग है, इसकी स्क्रिप्टिंग से हम लोग को पता चलता है कि मूवी दो हाफ में बनाई गई है, और जो दोनों हाफ एकदम से दूसरे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील होते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है अगर आप उसको अच्छे से पुल कर लेते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। पर इसमें ऐसा हुआ है ना कि जनरली ऐसा होता है, एक मूवी चालू होती है वो आपसे धीरे धीरे बिल्डअप लेती है, धीरे धीरे और फिर में क्लाइमेक्स में जाके ओ ये मज़ा आ गया। पर ऐसा नहीं होता इसके साथ, इसमें पहले ये बिल्डअप लेती है, फिर ओ ये मज़ा आ गया, फिर उसका एक और राउंड लेती है, ओ ये मज़ा आ गया, फिर आखिरी में कुछ नया ट्राई करते हैं लोग, और जो कि अच्छा लगता पर है ना जिस तरह से एग्जीक्यूशन था उसमें थोड़ा अजीब लगता है। पर्सनली जो फाइटिंग वाले पार्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर उसके बाद जो दूसरे नॉन फाइटिंग वाले पार्ट होते हैं उन्हें क्या लगता है ये कर दिया गोबर इनने, सिंपल भाषा में कहो। तो सबसे पहले अगर ये थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाती तो उससे काफ़ी अच्छी बात हो जाती, और उसमें थोड़े बहुत जो लॉजिकल सीन थे, मतलब आपको पता है जो पैटी का जो लवर मरी थी तो उसको देख के पर्सनली आपको है ना इमोशनल होना चाहिए था, और आप इमोशनल होते हैं, पर वो आपको फिर याद आता है वो कैसे मरे, वो उसका सीन दिखाते हैं। देखो एक फाइटर पायलट के पास कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते तो पता थे कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स की जगह बोलती है कि बंदो कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो वो क्या कहती है, वो कहती है सामने तो है मार दो ना मार दो, हाँ मतलब थोड़ा अलग कहती है, पर जब भी इसने किया तो उसने मेरे को दुख हुआ और दुख होते हुआ और मैंने कहा उठ गई एक चूती औरत। ये अगर चीज़ थोड़ी बहुत करे तो काफ़ी अच्छी हो जाती। और बात करें एक्टिंग की, ऋतिक रोशन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, उनकी एक्टिंग तो लाजवाब थी, अनटिल उनका मुरझा हुआ मतलब डांस वाला सीन अगर हटा दी जाए तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था इनने, डांस वाला सीन अच्छा था, पता नहीं पर क्यों डाला मुझे नहीं पता। और एक्टिंग बात करें उनके साथ जो दीपिका थी, ओहो मैं बुरा बोलूँगा नहीं, पर उनकी जो एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा आँखों से आंसू हो जाते हैं, बस कर बहन बस रुक जा भाई बहन बस देन दे भाई मैं कर लूँगा मैं रो लूँगा, क्योंकि उसका जो इमोशनल डायलॉग लिखे थे ना वो डायलॉग कितने अजीब लगते हैं डिलीवर करते हुए, वो आप खुद ही सोच सकते हैं। लड़कियाँ उड़ नहीं सकती थी, जो आप सोचते हैं कि लड़कियाँ उड़ नहीं सकती, पर लड़के अब उड़ रही हैं, उड़ती जा रही हैं, पापा की परी देखो उड़ गई है, ये उड़ के ज़मीन पर कैसे गिर गए, खैर कभी इस बारे में कभी और बात करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ वगैरह थोड़ी अगर ढंग से की जाती या फिर ऋतिक रोशन की कोई अच्छा एक्टर को कास्ट किया जाता या फिर उसको अच्छे डायलॉग्स दिए जाते तो चीज़ हो जाती, आप समझ जाएंगे इसमें एक्टिंग और डायलॉग दोनों का हाथ है, इसमें किसी एक को नहीं बोलूँगा मैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, तीसरा पॉइंट है इसका VFX, और VFX है ना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है मूवी का, और मूवी के बजट के साथ इसका VFX काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करता, तो कहीं इसमें कमी नहीं है, ये इनका है ना सिर्फ पॉजिटिव कह सकते हैं कंपेयर टू कुछ और मूवीज़ जैसे कि ये हो गई, जैसे फाइटर की बात करी थी पर फाइटर कॉलेज का क्या बना देता मुझे नहीं पता, और द लेजेंड मूवी कुछ नहीं कहूँगा मैं इस बारे में। ये तीनों पॉइंट है जिनमें से दो इम्प्रूव हो जाते काफ़ी अच्छी बात बन जाती, और इनका एक और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रमोशन वो रखा था जिसके कारण मूवी कितनी अच्छी कमाई हो गई। तो ओवरऑल कहूँगा कि ये सब चीज़ें थी जिनको लेकर आप अगर ये अच्छे करते हैं, जैसे प्रमोशन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं, प्रमोशन कर रहे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर ली मूवी में इतनी सारी कमियाँ होने के बाद भी।
ओवरऑल कहूँगा कि ये सब चीज़ें आसान हो गई, जैसे इंटरनेट आया तो प्रमोशन वगैरह तो काफ़ी सिंपल हो गया। इंटरनेट पे ठुमके लगाने वालों से, मुझे करने वालों से अब है ना प्रमोशन करवा दिए, लोग वैसे ही आ जाएंगे। और टीवी तो है ही बाकी लोगों के लिए, खैर ऐसी चीज़ें कभी ना कभी होती रहती हैं, पर कि ऐसी चीज़ें कोई गारंटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस प्रभु का नाम ले लो, प्रभु की शरण में आ जाओ और मूवी चालू होने से पहले मूवी एंड तक प्रभु का नाम लेके चलो, क्योंकि आज वैसे भी माहौल ऐसा ही है और आपको लक की ज़रूरत होती है। लक के लिए सिर्फ भगवान के पास जा सकते हैं कि लक आपने कितनी मेहनत कर ली, पर आपका लक साथ नहीं देगा तो आपके लक लक हो जाए, लक की जगह लत लत हो जाता है। तो ओवरऑल कहूँगा कि भगवान का नाम लेना मत भूलना। जब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम।